तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बोलपुर की, जहां पर अमित शाह का रोड शो जारी है और ये रोड शो हनुमान मंदिर से चौरस्ता डाक बंगला की ओर जा रहा है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ। और यहां पर आप जन सैलाब देख सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में भीड़ यहां पर उमड़ी है अमित शाह को देखने के लिए, रोड शो में शामिल होने के लिए। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी कितने एग्रेसिव तरीके से बंगाल के चुनाव में उतर चुकी है मैदान में। और ठीक इसके सामने अब टीएमसी को भी इतना ही कड़ा मुकाबला देना होगा बीजेपी को, और उसकी तैयारी भी शायद टीएमसी कर रही होगी। लेकिन हैरानी की बात होती है कि बीरभूम जो प्रणब मुखर्जी का इलाका रहा है, जहां से प्रणब मुखर्जी आते हैं, वहां पर कांग्रेस और इसके साथ ही 35 साल तक यहाँ शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर है, क्योंकि मुकाबला नज़र आ रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर है ये तलाशना पड़ रहा है। लोगों के घरों के ऊपर भी देखिए, जो ऊपर जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए मौजूद हैं। हालांकि कल जब मिदनापुर में इतनी बड़ी भीड़ दिखी थी तो वहाँ पर टीएमसी के जो नेता है कल्याण बैनर्जी, उन्होंने कहा कि ये सब बाहरी लोग थे, और हो सकता है कि आज फिर से इस पर आरोप लगाया जाए कि बाहरी हैं। लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब क्या बाहर से किराए पर लाया जा सकता है, सोचने वाली बात है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे।